ओम शांति। आज है 25 नवंबर 2022। प्रातः मुरली, बाप दादा, मधुबन, मीठे बच्चे, अवगुणों को निकाल, साफ दिल बनो, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। मीठे बच्चे, अवगुणों को निकाल, साफ दिल बनो, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। प्रश्न, तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? उत्तर में बाबा बोले, जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा तब तुम सबकी कर्मातीत अवस्था नंबर वार बन जाएगी। क्या कहा बाबा ने कि जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा तब तुम सबकी कर्मातीत अवस्था नंबरवार बन जाएगी। अभी रेस चल रही है, कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए। शिव बाबा, जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनके सिवाय दूसरा कोई याद न आए, पूरा पवित्र बनो। शिव बाबा, जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनके सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, पूरा पवित्र बनो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। आज का गीत कौन सा है? मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। जबकि बेहद का बाप बच्चों को मिला है और बच्चों ने पहचाना है, अब हर एक महसूस करते हैं कि हम कितना पाप आत्मा थे और कितना पुण्य आत्मा बन रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना जरूर बाप को फॉलो करेंगे। बच्चों के आगे एक तो यह चित्र है और दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। गीत भी गाते हैं दूर देश के, अब पराये देश पतित शरीर में आए हैं। बाप खुद कहते हैं यह पराया देश है। पराया किसका? रावण का। तुम भी पराये देश अथवा रावण राज्य में हो। भारतवासी पहले राम राज्य में थे, इस समय पराये अर्थात रावण राज्य में हैं। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, यह ब्रह्मा विचार सागर मंथन कर समझाते हैं कि यह जो जैनी लोग हैं उनका यह दिलवाड़ा मंदिर है, यह जो चैतन्य होकर गए हैं उनका ही जड़ यादगार है। दिलवाड़ा किसका यादगार है? यह ब्रह्मा विचार सागर मंथन कर समझाते हैं कि यह जो जैनी लोग हैं उनका यह दिलवाड़ा मंदिर है, यह जो चैतन्य होकर गए हैं उनका ही जड़ यादगार है। यह जो चैतन्य होकर गए हैं उनका ही जड़ यादगार है। आदि देव आदि देवी भी बैठे हैं, ऊपर में स्वर्ग है। अब अगर जो उन्हों के भगत हैं उन्हों को ज्ञान मिले तो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बरोबर नीचे राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं, ऊपर में भी प्रवृत्ति मार्ग, नीचे भी प्रवृत्ति मार्ग। कुमारी कन्या अधर कन्या का चित्र भी है, कुमारी कन्या अधर कन्या का चित्र भी है, अधर कुमार और कुमार भी है। तो मंदिर में आदि देव ब्रह्मा भी बैठा है और बच्चे भी बैठे हैं। अब तुम समझ गए हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही राधे कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा की आत्मा का बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, यह बाप और बच्चों का यादगार है। ऐसे तो नहीं हजार लाख चित्र रखेंगे, मॉडल में थोड़े चित्र रखे जाते हैं। यह है जड़ और हमारा है चैतन्य। जिन्होंने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया है उन्हों का यादगार है। जगतम्बा जगत पिता और उनके बच्चे हैं। मेजॉरिटी माताओं की होने के कारण बी के नाम लिख दिया है। मंदिर में भी कुमारी कन्या और अधर देवी है। अंदर जाएंगे तो हाथियों पर मेल्स के चित्र हैं। यह सब बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। आज बाबा दिलवाड़ा मंदिर के बारे में और उसके अंदर कैसे कैसे चित्र हैं ये बाबा और वो किसका प्रतीक है ये बाबा हमें समझा रहे हैं। तो जिन्होंने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया है उन्हों का यादगार है। जगत अम्बा जगत पिता और उनके बच्चे हैं। मेजॉरिटी माताओं की होने के कारण बी के नाम
लिख दिया है। मंदिर में भी कुमारी कन्या और अधर देवी है। अंदर जाएंगे तो हाथियों पर मेल्स के चित्र हैं। ये सब बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। तुम अभी साफ दिल बनते हो, आत्मा से अवगुण निकाल रहे हो। तुम्हारी मम्मा किसको समझाती थी तो उनको तीर लग जाता था। उनमें सच्चाई पवित्रता थी भी कुमारी। मम्मा का नाम पहले आता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अब बाप कहते हैं, मम्मा जैसे गुण धारण करो, अवगुणों को निकालते जाओ, नहीं निकालेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। मम्मा जैसे गुण धारण करो, अवगुणों को निकालते जाओ, नहीं निकालेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। सपूत बच्चों का काम है हर एक बात समझना। पहले तुम बेसमझ थे, अब बाबा समझदार बनाते हैं। अज्ञान में बच्चे खराब होते हैं तो बाप का नाम बदनाम करते हैं। यह तो बेहद का बाप है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाकर। फिर ईश्वर का बाप का नाम, ईश्वर बाप का नाम बदनाम करेंगे तो उनका क्या हाल होगा? ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाकर फिर ईश्वर बाप का नाम बदनाम करेंगे तो उनका क्या हाल होगा? ऐसा काम क्यों करना चाहिए जो पद भी भ्रष्ट हो और बहुतों का नुकसान भी हो? तो बाप ने समझाया है, दूर देश से आते हैं पराये देश में, फिर रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, भक्ति भी द्वापर से शुरू होती है। इस समय सबकी तमोप्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था है। यह बेहद का पुराना झाड़ है, बेहद का ज्ञान कोई दे ना सके। बाबा बच्चों को समझानी दे रहे हैं कि बेहद का ज्ञान कोई दे ना सके, बेहद का सन्यास कोई करा ना सके। वह हद का सन्यास कराते, बेहद का बाप बेहद की पुरानी दुनिया का सन्यास कराते हैं। आत्माओं को समझाते हैं, हे बच्चे, यह पुरानी दुनिया है, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, विनाश अवश्य होना ही है, इसलिए बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। हे आत्माएं, सुनती हो? हम आत्मा हैं, परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक यह पक्का निश्चय नहीं, गोया कुछ भी नहीं समझेंगे। पहले यह निश्चय करें कि हम आत्मा अविनाशी हैं। हम अशरीरी आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती हैं, नहीं तो आदमशुमारी वृद्धि को कैसे पाए? जैसे आत्माएं परम धाम से आकर शरीर में प्रवेश करती हैं, वैसे परमपिता परमात्मा भी इस शरीर में प्रवेश कर कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, तुम मुझ सागर के बच्चे जलकर खाक हो गए हो, अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाकर वापस घर ले जाने के लिए। जो विकार में जास्ती जाते हैं उनको ही पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। यह सारी दुनिया ही विकारी है, इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार मैं रावण के देश में आया हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं कि यह सारी दुनिया ही विकारी है, इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार मैं रावण के देश में आया हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था, हर कल्प आता हूँ और आता भी हूँ संगम युगे। बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने आता हूँ। सत्युग में है जीवन मुक्ति, बाकी सब मुक्ति में रहते हैं, तो भी इतनी सब जो आत्माएं हैं उनको ले कौन जाएगा? बाप को ही लिबरेटर और गाइड कहा जाता है। बाप ही आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। तुम ही पुजारी से पूज्य बनते हो। बाबा कोई और तकलीफ नहीं देते। दिलवाड़ा मंदिर में चित्र बरोबर ठीक है। बच्चे योग में बैठे हैं, उन्हों को शिक्षा देने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा का चित्र भी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सत्युग की स्थापना कर रहे हैं। यहाँ भी चित्र में देखो, झाड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा सरस्वती को की भी माँ हो गई, ब्रह्मा सरस्वती की भी माँ हो गई। गाया भी जाता है, त्वमेव माताश्च पिता, निराकार को कैसे कह सकते? इसमें उसने प्रवेश किया है,
तो यह माता बनी ना, सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, अपने मुख से कहते हैं कि यह हमारे फॉलोअर्स हैं, वे कहते हैं हम फॉलोअर्स हैं, यहाँ तो मात पिता दोनों हैं, इसलिए कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता, बंधु भी हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं वह भी पढ़ते रहते हैं तो सखा भी बन जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैंने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है, तुम राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वहाँ मंदिर में लिंग रखा है, दिलवाड़ा का अर्थ कोई समझ ना सके, अधर कुमारी कुमारी कन्या भी है, अधर कुमारी कुमारी कन्या भी है, सिखलाने वाले शिव का भी चित्र है, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला जरूर उस्ताद चाहिए, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला जरूर उस्ताद चाहिए, वहाँ श्री कृष्ण की बात नहीं, जहाँ ब्रह्मा बैठा है वहाँ श्री कृष्ण कैसे आए, श्री कृष्ण की आत्मा तपस्या कर रही है सुंदर बनने के लिए, अभी वह श्याम है, ऊपर में वैकुंठ के सुंदर चित्र खड़े हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही फिर देवता बनेंगे, तुम्हें ऐसा बनाने वाला सबसे ऊंचा है, तो यह दिलवाड़ा मंदिर भी सबसे ऊंचा है। तुम बच्चे ज्ञान तो सबको देते हो, लेकिन कई समझते हैं कि ज्ञान में आकर पति पत्नी दोनों साथ रहते पवित्र रहें यह तो बहुत बड़ी ताकत है, परंतु यह नहीं समझते कि यह सर्वशक्तिमान बाप की ताकत है, बाप देखो स्वर्ग की कितनी भीति देते हैं, बच्चे पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, माया के तूफान तो बहुत आएंगे, बाप कहते हैं बच्चे तुम कितना फर्स्ट क्लास थे, तुमको क्या हो गया, बाबा झट बताएंगे इस समय ब्राह्मणों की माला में नंबरवार कौन कौन है, बाबा झट बताएंगे इस समय ब्राह्मणों की माला में नंबरवार कौन कौन है, परंतु सब कायम नहीं रहेंगे, कमाई में दशाएं बैठती हैं ना, किसको राहु की दशा बैठती है तो फिर छोड़ चले जाते हैं पुरानी दुनिया में, किसको राहु की दशा बैठती है तो फिर छोड़ चले जाते हैं पुरानी दुनिया में, कहते हैं हमसे मेहनत नहीं होती है, बाबा को याद नहीं कर सकते, नहीं कहने से नास्तिक बन जाते हैं, दशाएं फिरती रहती हैं, माया के तूफान आते रहते हैं और माया के तूफान आने से ढीले हो जाते हैं, अगर भागंती हो गया तो समझेंगे श्याम बन गया या आते हैं सुंदर बनने, तुम ब्राह्मण कुल वाले श्याम से सुंदर बन रहे हो, यहाँ बहुत जबरदस्त कमाई है, बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बच्चे कहते हैं बाबा हम भी आप जैसा पुरुषार्थ कर जरूर तख्त नशीन बनेंगे, बच्चे कहते हैं बाबा हम भी आप जैसा पुरुषार्थ कर जरूर तख्त नशीन बनेंगे वारिस बनेंगे, परंतु फिर भी ग्रहचारी बैठ जाती है, चलन भी अच्छी चाहिए, तुम्हारा धंधा है घर घर में संदेश पहुंचाना, कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, विनाश सामने खड़ा है तुम निमंत्रण देते रहो, विनाश सामने खड़ा है तुम निमंत्रण देते रहो, तुम्हारी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी, सेंटर्स खुलते जाएंगे, यह इतना बड़ा मकान भी कम पड़ जाएगा, आगे चल कितने मकान चाहिए, आगे चल कितने मकान चाहिए, ड्रामा में आने वालों के लिए प्रबंध भी ज़रूर चाहिए, बच्चे अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं तो बच्चों को बेहद की खुशी होनी चाहिए, परंतु माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है, अभी माला बन नहीं सकती, अंत में रुद्र माला बनेगी, फिर विष्णु की माला बन जाएगी, बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बाबा हम सब बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, अम्बा के मंदिर के आगे भी अपना सेंटर होना चाहिए, बाबा क्या कहते हैं कि अम्बा के मंदिर के आगे भी अपना सेंटर होना चाहिए जो सबको समझाया जाए, तो अभी यह ज्ञान ज्ञानेश्वरी है वहाँ भी भीड़ मच जाएगी, तुम सिर्फ काम करो पैसे छम छम कर आ जाएंगे, ड्रामा में पहले से नूंधा हुआ है, पैसे छम छम कर आ जाएंगे, ड्रामा में पहले से नूंधा हुआ है, तुम 10 सेंटर खोलो बाबा ग्राहक दे देंगे, परंतु सेंटर ही नहीं खोल सकते, कलकत्ते जैसे शहर में तो बहुत सेंटर खुलने चाहिए, हिम्मत बच्चे मददे बाप किसको भी टच कर देंगे,
काम तुमको करना है। बहुरूपी के बच्चे, तुम बहुरूप धारण कर ये सर्विस कर सकते हो। कहाँ भी जाकर बहुतों का कल्याण कर सकते हो। जैनियों की भी सर्विस करनी है। बहुत अच्छे बड़े बड़े जैनी हैं, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं है जो सर्विस करे। कुछ दे अभिमान रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणाएं, बाप का बनकर माया के वश नहीं होना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को भूल नास्तिक नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धि बन सेवा करनी है। वरदान है दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप की दिल के समीप हैं, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप के दिल के समीप हैं, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। इसलिए इस अधिकार की स्मृति से कभी भी ना तो कमजोर बनना, ना दिल शिकस्त बनना। क्या कह रहे हैं बाबा? जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप की दिल के समीप हैं, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। इसलिए इस अधिकार की स्मृति से कभी भी ना तो कमज़ोर बनना, न दिल शिकस्त बनना, न पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। बाप कंबाइंड है, इसलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना। कमजोरी व दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। स्लोगन है, श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। आज मातेश्वरी जी ने दो पॉइंट दिए हैं, तो आइए इन दोनों पॉइंट्स का अवलोकन करें। पहले पॉइंट में मातेश्वरी जी ने व्याख्या की है कि सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, यह तीन शब्द कहते हैं। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, यह तीन शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं यह तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या यह तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं व तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है? तीनों युगों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसा ही कहता है कि यह तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं है। यह मनुष्य तो ऐसे ही समझ कर बैठे हैं कि यह तीनों गुण, मनुष्य क्या समझ कर बैठे हैं कि यह तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। यह बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वह कलियुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण सतोप्रधान चाहिए। क्या कहा बाबा ने? बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती जाती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण सतोप्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था।
अब वो सत्युग नहीं है, अभी तो है कलयुगी दुनिया। गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सत्युग और ब्रह्मा की रात है कलयुग। तो हम दोनों को मिला नहीं सकते, हम दोनों को मिला नहीं सकते। दूसरी पॉइंट में मम्मा कहती हैं, इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इस सृष्टि को क्या कहते हैं? भय का सागर। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भवसागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है, जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं दो हैं, एक सत्युगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। तो मम्मा ने क्या कहा कि तो दुनियाएं दो हैं, एक सत्युगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। अच्छा, ओम शांति।